हाथों में तिरंगा लिए ये शख्स अपनी घर की बालकनी पर बड़े खुश मिजाजी तौर पर तिरंगा लहरा रहा है। आप कहेंगे कि ये तो सामान्य बात है, क्योंकि 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा कैंपेन फिर से शुरू है और पूरे देश के कोने कोने में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और अपने घरों पर तिरंगा लहरा रहे हैं। लेकिन जब आप इस शख्स के बारे में जानेंगे तो जानकर हैरान रह जाएंगे, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। ये शख्स है हिजबुल मुजाहिदीन के सक्रिय आतंकवादी जावेद मट्टू का भाई रईस मट्टू। जम्मू कश्मीर के सोपोर की ये तस्वीरें हर किसी का दिल जीत रही हैं, क्योंकि एक आतंकी के भाई ने अपने घर पर तिरंगा फहराया और ये भी साथ ही साथ कहा कि उसका देश भारत है। जो लोग आतंक के रास्ते पर जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रईस मट्टो अपने भाई के खिलाफ खड़ा है और वो हिंदुस्तान का झंडा थामे खड़ा है। उसका सीधे तौर पर मानना है कि भारत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं और वो विनाश का रास्ता चुन रहे हैं। वो तो कश्मीर के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि कोई भी आतंक के रास्ते पर ना जाए। दरअसल सिर्फ ये तस्वीर ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आई हैं जो हर घर तिरंगा कैंपेन के दौरान लोगों का दिल जीत रही हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के इलाके में होता ये कैंपेन खासा दिलचस्प है और काफी रोमांचक भी, क्योंकि पूरे बॉर्डर के इलाके पर हर घर में तिरंगा लहराने का काम हो रहा है। लोग अपने घरों पर तिरंगा लगा रहे हैं, भारत माता की जयकारे लगा रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं भारत के नाम का और दुश्मन पाकिस्तान को ये चेतावनी दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि हम भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, तुम्हारे तमाम नापाक इरादों का जवाब भारत का तिरंगा है। यकीनन ये तस्वीरें देखकर पाकिस्तान के दिल में आग लग रही होगी, चीन को 440 वोल्ट का झटका लग रहा होगा, लेकिन भारत का हर नागरिक इस कैंपेन के जरिए जुड़कर भारत की आवाज को बुलंद करने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।